नासिर साहब, बीजेपी ने रात को एक एसटी लीडर इंजीनियर गुलाम अली को जो है वो राज्यसभा के लिए जो है वो नॉमिनेट किया। पीडीपी कहती थी कि जो मुस्लिम से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी आफ्टर 370 के बाद, तो आप इस पर क्या कहेंगे जो ये बनाया गया है राज्यसभा मेंबर? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देखना कोई नई बात नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, जब पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी तो पीडीपी ने एसटी कम्युनिटी के लिए बाकायदा तौर पर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई थी। तो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे एसटी कम्युनिटी के लिए, उन स्टेटस देने की बात की थी बहुत सारे। अब मुझे लगता है कि ये जो आज रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है, जो हो चुकी है, ये एक अपीजमेंट पॉलिसी है, एक सेल्फ प्रमोशन है। अगर देखा जाए तो कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए जो बीजेपी ने वादे किए थे वो उनसे कहीं दूर है। कल जो है वो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आल पार्टी मीटिंग भी की, तो एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरी तरफ से पीएजीडी जो है वो ये कह रही है कि हम जो है वो टैक्टिकल अलायंस करेंगे, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पीएजीडी की जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी की क्यादत हमेशा से बात कहती आई है कि पीएजीडी इलेक्शन के लिए नहीं बना, पीएजीडी एक लार्जर इंटरेस्ट लार्जर गोल के लिए बना। इलेक्शन जब आएंगे, इलेक्शन के वक्त पीएजीडी एक फैसला लेगी, उस वक्त देखा जाएगा क्या होगा। अभी तो हर एक पार्टी तो यही कहेगी हम अपने तौर पर तैयार हैं, तैयार हर कोई पार्टी है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन पीएजीडी का एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, पीएजीडी एक लार्जर गोल के लिए बनी है, इलेक्शंस के लिए नहीं बनी। हाँ, इलेक्शंस के हवाले से भी जब इलेक्शंस नजदीक होंगे तो एक फैसला पीएजीडी जरूर लेगी। आजाद साहब की पार्टी नहीं बनी है, क्या ये पीडीपी के लिए थ्रेट है? देखिए, आजाद साहब की जो पार्टी बनी, देखना ये है कि आजाद साहब के साथ कौन से लोग जुड़े हैं। आजाद साहब के साथ वही लोग जुड़े हैं जो उनके साथ कांग्रेस के टाइम में जुड़े हुए थे, और कांग्रेस का वोट आजाद साहब अपनी तरफ लेंगे। मुझे नहीं लगता पीडीपी के लिए कोई भी थ्रेट है। थैंक यू।